आज स्टोरी सुना रहा हूँ डॉली की। 12 साल बाद शादी हुई थी, बहुत कष्ट थे ज़िंदगी में, दुखी थी, पर फाइनली 12 साल बाद एक बहुत खुशी की चीज़ है, इनके हाथ में, अमित के और इनके हाथ में इन्हीं का बेबी है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट, मैं और डॉक्टर अंशु मेरी वाइफ को सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सक्सेस स्टोरी को सुनिए, क्योंकि आपकी भी स्टोरी सक्सेसफुल होनी है। सर 12 साल 12 साल बाद जी, क्या क्या परेशानी थी? बहुत सारी परेशानियां थी सर, बहुत सारी थी। हाँ जी। और आईवीएफ में क्या हुआ? फर्स्ट बार हो गया। हाँ जी। इनकी ट्यूब्स बंद थी, लैप्रोस्कोपी हमने की, इनकी ट्यूब्स खोली, 2 बार आईयूआई किए, बट प्रेग्नेंट नहीं हुई, इसलिए डिसीजन लिया गया कि अब हम इनकी आईवीएफ करेंगे। पेशेंट ने भी जल्दी आईवीएफ कराने का डिसीजन लिया और आज इनको मिल गया ये सुंदर सा बेबी। सर मेरे को काफी डॉक्टर्स के पास दिखाया गया था, तो मेरी ट्यूब्स भी ब्लॉक आई थी यहाँ पर, और आईयूआई कराए थे 2 बार, कंसीव नहीं हुआ। फिर फर्स्ट टाइम में आईवीएफ से कंसीव हुआ था, बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद। जब मालूम चला कि ट्यूबें ब्लॉक्ड हैं तो क्या लगा था? टेंशन तो बहुत रही थी इस चीज की, लेकिन विश्वास था कि हाँ हो जाएगा यहाँ पर आकर। पर पहली साइकिल में प्रेगनेंसी के बाद में ऐसा नहीं कि आराम से चल रहा हो, वजन ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर हाई था। हमें मालूम है कि टेक होम बेबी रेट कई जगह ऐसी कंडीशंस में सिर्फ 50% होता है, पर बहुत मेहनत करने के बाद में इनको मिला है ये प्यारा सा बेबी। मैडम ने यही बताया था सर कि ड्रिप वगैरह चढ़ानी है, और आप जैसा कहते गए वो हम करते गए उनके अनुसार ही। तो फाइनली हो गया? हाँ जी, है ना। हाँ, अच्छा, हमने मिस नहीं करा कुछ भी, ऐसा मैम ने बोला था तुरंत ऐसा ही। तो जरा इनसे मालूम करते हैं कि बेबी होने के बाद क्या फील कर रही है। और सबसे बड़ी देर हमारे बड़े भैया की है, जो उन्होंने अपना इलाज भी कराया था, उनको बेबी नहीं हुआ यहाँ पर, उन्होंने आईवीएफ उस टाइम कराने के सक्षम नहीं थे, तो बीच में ही इलाज छूट गया उनका, पर उन्होंने हमें भेजा। ये बताओ, बहुत अच्छा लगा? बहुत ज्यादा फील होता है सर, नहीं होता तो, और होने के बाद एक अलग ही फीलिंग है, पूरे घर में खुशियां ही खुशियां है, सब बहुत ज्यादा खुश है। फैमिली बच्चे बहुत थे घर में, लेकिन परिवार बहुत ज्यादा खुश है, और सब उससे बहुत ज्यादा बहन भाई हैं। अच्छा। हाँ, और सब इस टाइम घर पे जॉइंट फैमिली है, एक ही चूल्हा है। और सबसे बड़ी देर हमारे बड़े भैया की है, जो उन्होंने अपना इलाज भी कराया था, उनको बेबी नहीं हुआ यहाँ पर, उन्होंने आईवीएफ उस टाइम कराने के सक्षम नहीं थे, तो बीच में ही इलाज छूट गया उनका, पर उन्होंने हमें भेजा। जब बेबी नहीं था तो क्या फील करती थी, जरा सुनिए। अब तो ज्यादा ही टेंशन रहने लगी थी सर, थोड़ा। क्या होता था? बस यही रहता था, होना चाहिए, काफी टाइम हो गया। लोग क्या कहते थे, लोग परेशान करते थे? नहीं, बस ये था घर में होना चाहिए, लेकिन नहीं था बेबी, घर वालों ने बहुत ज्यादा फोर्स करा यहाँ पर आने के लिए। अमित आप बताओ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। अब बेबी होने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। आज अगर किसी को राय देना चाहें तो ये दे सकते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी चैंपियन है, और जिनके बच्चे नहीं होते उनको ये सक्सेस स्टोरीज प्रेरित करती हैं अपना बच्चा पाने को। मैं चाहता हूँ आपके बच्चा हो, डॉक्टर अंशु भी चाहती है आपके बच्चा हो, ज़रूर होगा। ज़रा सुनिए इनसे, इनके ये क्या कहना चाहेंगी आपसे। तो ये कहते हैं कि 1 साल के बाद नहीं होता तो अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, परफेक्ट बात। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो बेबी होगा ही। हाँ। है ना। और अब बिलीव करो डॉक्टर्स पे, भगवान पे, यही जगह जगह जाके हम थक गए थे। अच्छा। मेरठ में कहीं जगह दिखाया था, बट अल्टीमेटली फिर बेबी तो यहीं से मिला। हाँ जी। है ना। हाँ जी। और ये काम करने वाले लोग ही नहीं है हिंदुस्तान में, गिनती के लोग हैं ये काम करने वाले, पूरी दुनिया से आते हैं। विश्वास करें डॉक्टर्स पर, जैसा मैम कहती हैं, सर करें जैसे सर बोलते हैं, जैसे हमने करा था, यही कहते हैं हम सबको। टेंशन मत लो, बस ऊपर वाले पे छोड़ो, जो मैम ने आपने बताया था ऐसा ही हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मिलते हैं, जैसे ये हुआ बेबी के हमारे नहीं है, तुम्हारे कैसे कंसीव हुआ, लेकिन जैसा मैम सर के बोलते हैं ऐसा आप करते जाओ। टेंशन मत करिए,
आपके बच्चा होगा ज़रूर। लगे रहिए, प्रॉपर साइंस टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अगर जाएंगे तो हो नहीं सकता कि बेबी ना हो। प्लीज़ टेक केयर, लुक आफ्टर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई लव यू ऑल एंड आई वॉन्ट यू टू हैव अ बेबी।